माध्यम से नजूल संपत्तियों पर वर्ष 2000 से पूर्व के काबिज अल्प आय वर्ग के रियासती कब्जेदारियों को छूट का लाभ दिया जा रहा है। ये छूट 2010 के पूर्व के काबिज ऐसे रिहायशी कब्जेदारियों को भी दिया जाना प्रस्तावित है। आधुनिक समाज में एकल जीवन तथा न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की नवीन चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है। ऐसे में उनके लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की समुचित विकास, ओल्ड एज होम, क्रिच और डे केयर सेंटर आदि को भी रिप्स 22 के इंसेंटिव दिया जाना प्रस्तावित है। बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपये तक के फ्लैट की खरीद पर स्टैंप ड्यूटी में 2% की छूट दी जाएगी। इस छूट का लाभ 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित। साथ ही दिव्यांगजन के पक्ष में निष्पादित इमोबल प्रॉपर्टी के हस्तांतरण विलेख पर स्टैंप ड्यूटी 5% घटाकर 4% किया जाना प्रस्तावित है। स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रीकरण हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र घोषणा पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी निःशुल्क करने की घोषणा करता हूँ। ठेले वाले गरीब लोग होते हैं, 70 वर्ष से अधिक आयु के वर्जन, 80% से अधिक दिव्यांगता के जनों को के निवास स्थान पर रजिस्ट्री करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रस्तावित है। परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित समझौते पर रजिस्ट्रीकरण फीस समाप्त कराना प्रस्तावित है। परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित समझौते पर अध्यक्ष महोदय, हमने पूर्व में पत्नी पुत्र 10 मिनट का मांग क्यों मान लें? आपने गवर्नर साहब कोई नहीं बख्शा तो मुझे कहोगे आप ये बात। हमने पूर्व में पत्नी पुत्री पुत्र वधु पोता पोती दोहिता दोहिती के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डेट को पूर्णतया निःशुल्क किया था। वर्तमान में माता पिता पुत्र भाई बहन पति के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डेट पर स्टैंप ड्यूटी 2.5% ही दे है। अब मैं 60 वर्ष से अधिक उम्र के माता पिता के पक्ष में प्रॉपर्टी गिफ्ट करने तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के माता पिता द्वारा पुत्र के पक्ष में प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर स्टैंप ड्यूटी पूर्ण छूट देने की घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे एहसास है कि कोविड एवं अन्य आर्थिक कारणों से वजह से सभी वर्गों के लिए अलग अलग चुनौतियाँ उत्पन्न हुई है। अतः उपरोक्त कर प्रस्ताव में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा, बल्कि आगामी वर्ष हेतु 1,750 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान की जा रही है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधित प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उल्लेख और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है। इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्वयन के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचना जारी की जा रही। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करूंगा कि हम आगे भी अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से विकास एवं राहत प्रदान करने में गति बनाए रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 22-23 के संशोधित अनुमान, वित्तीय वर्ष 22-23 के आय व्यय अनुमान के विवरण को सदन प्रस्तुत करते हुए मुझे इस बात का हर्ष हो रहा है। हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य के ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए। माननीय सदस्यगणों को जानकर खुशी होगी, हमारी सरकार के वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप स्थिर मूल्यों पर कॉन्स्टेंट प्राइस पर GDP की वृद्धि दर ग्रोथ रेट के क्रम में समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा राज्य यहाँ वर्ष 18-19 में 2.37% के साथ 31वें स्थान पर था। वहीं वर्ष 21-22 में हम 11.04% पे आ गए हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे देश में हम नंबर 2 पे हैं। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था, आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा नंबर हमारा था, 31 से जंप करके हम सेकंड पे आ गए। इसी प्रकार प्रचलित मूल्यों पर प्रदेश की GDP की बगैर 3 वर्षों की औसत वृद्धि 9.68% रही है, क्योंकि जो कि भारत सरकार के GDP की औसत वृद्धि दर से 8.10% से भी अधिक है। भारत सरकार से वर्ष 18-19 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां आपके वक्त में रेवेन्यू रिसीव्ट 1,37,873 करोड़ थी, पर 19-20 से वर्ष 21-22 कोविड 19 से प्रभावित होने के बावजूद भी
बस 21-22 में कुल धन प्राप्तियाँ बस 18-19 की तुलना में 33.40% से बढ़कर 1,83,920 करोड़ रुपये हो गई। हमारी सरकार के एफिशिएंट कर प्रबंधन के फलस्वरूप गत 21-22 माह दिसंबर तक राज्य की GST वृद्धि दर क्रमशः 32.50, 31.22% रही, जो देश के GST कलेक्शन की वृद्धि दर वर्ष 21-22 क्रमशः 29.56 और 29.78% से अधिक रही है। वर्ष 21-22 में पूंजीगत संपत्तियों के सृजन पर 24,152 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया, जो कि न केवल अब तक का सर्वाधिक है अपितु गत सरकार द्वारा 18-19 में किए गए वास्तविक व्यय 16,638 करोड़ रुपये से भी 45% अधिक है। वर्ष 23-24 में राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्य हेतु 38,061 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि गत सरकार के वर्ष 18-19 में किए गए व्यय का 229% है। 229% वर्ष 22-23 के संशोधित अनुमान, वर्ष 23-24 के बड़े अनुमान में वित्तीय वर्ष 22-23 के संशोधित अनुमानों का विवरण पटल पर रख रहा हूँ, बता रहा हूँ। प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसीव्ड 2,15,786.67 लाख रुपये। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,48,096.80 लाख। रेवेन्यू डेफिसिट 32,310.13 लाख। रिसीव्ड इन कैपिटल अकाउंट्स 1,67,580.22 लाख। एक्सपेंडिचर इन कैपिटल अकाउंट 1,34,149.74 लाख। सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट 32,430.48 लाख। शुद्ध व्यय नेट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग वेरियंस मींस एडवांस 3,82,246.54 लाख। शुद्ध नेट एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग वेरियंस मींस 2,58,246.54 लाख। वर्ष 23-24 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। रेवेन्यू रिसीव 2,33,988.01 लाख। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,58,823.68 लाख। रेवेन्यू डेफिसिट 24,895.67 लाख। रिसीव्ड इन कैपिटल अकाउंट 1,56,954.97 लाख। एक्सपेंडिचर इन कैपिटल अकाउंट 1,31,972.80 लाख। सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट 24,982.17 लाख। शुद्ध व्यय नेट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग वेरियंस मींस 3,90,856.48